अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बन रही है शोरबे वाली कतली। जो लोग सूखी कतली खाना पसंद नहीं करते हैं वो इस तरह की कतली बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से भी कतली। तो कतली बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आलू की कतली काट लिया है, ये मैंने ऐसे ही नाइफ से काट लिया है, आप चाहे तो कटर से भी काट सकते हैं। तो देखिए मैंने मोटी मोटी ही काटा है, बहुत ज्यादा पतली नहीं काटा है, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो देखिए अब चलिए अब चलते हैं इसको बनाने के लिए, बहुत टेस्टी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो गैस पर मैंने रख दिया है कढ़ाई को, अब यहाँ पर 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है और मैं इनको सरसों के तेल में बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप कोई से भी तेल में बनाएं जैसे आपको पसंद हो। तो अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच जीरा, 7-8 काली मिर्च, और डाला है मैंने 1-2 लौंग, और डाली है 1 इलायची। इसको भुनने देंगे अपने मसाले को, भुनने के बाद इसमें डाल देंगे कतली। तो देखिए हमारा मसाला हो चुका था, तो अब मैंने कतली डाल दी है और उसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डाला है चिल्ली फ्लेक्स 1 चम्मच, अब इसको मैंने नीचे तले में डाल दिया है तेल के अंदर, जिससे कि अच्छे से हमारी मिर्च जो है एकदम से फ्राई हो जाती है गर्म तेल में। तो अब इसको चला लेंगे और मिक्स कर देंगे अपने मसालों में, देखिए इस तरह से मिक्स कर देना है। और इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आपको कतली में लगता है। तो मैंने 1 चम्मच डाला है फ्रेंड्स, तो आप अपने मुताबिक डालिएगा नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही। तो देखिए मैंने इस तरह से अपनी कतली को भून रही हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे कतली को, अब चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल इसमें डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे प्याज, 1 मीडियम साइज की प्याज पतली स्लाइस में कटी हुई मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको फ्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज नहीं करना, उतना करना, हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा उतना हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए इस तरह का आप देख रहे हैं तो कलर आ रहा है। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच मैंने डाला है, और 1 चम्मच भर के बड़ी चम्मच से दही डाला है। अब इसको जो है हम भून लेंगे इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही, और इसे चलाते हुए, जिससे कि हमारा दही भी अच्छे से फेट जाएगा और अच्छे से ये मसाला भून जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने और अच्छे से अब पानी डालकर भून लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा, हमने कतली में डाल दिया है, मसाले के मुताबिक आप डालिएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे भून कर तैयार कर लेंगे। देखिए भून चुका है हमारा मसाला, इसने सारा तेल छोड़ चुका है हमारा मसाला। अब इसमें पानी डाल देंगे, तो यहाँ मैंने अभी 1 कप डाला है तो दूसरा कप भी डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे अपनी कतली को, तो पानी आप कतली के मुताबिक ही डालिएगा, जितनी पतली रखनी है, जैसा शोरबा रखना है उसी के हिसाब से। तो देखिए मैंने यहाँ 2 कप पानी डाला है, अब कम लगेगा तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें इतना शोरबा है तो मैंने 1/2 कप और पानी डाल दिया है इसमें, तो मेरे हिसाब से उतना पानी सही है, आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब इसको ढककर रख देंगे पकने के लिए, और नमक चेक कर लीजिएगा इसी टाइम पर, बाद में जो है हम इसे ज़्यादा चला नहीं सकते, टूट जाएंगी हमारी कतलियाँ, तो अभी कर लीजिएगा जब हम पानी डालते हैं। देखिए मैंने 1 मिनट तक इसे पका लिया है, अभी हमारी कतली जो है गली नहीं है, तो देखिए चेक करके मैं दिखाती हूँ, अभी टाइट है। तो अभी इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारी कतली भी टूटेंगी नहीं, खड़ी खड़ी हैं अभी। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर देना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है धनिया हरी मिर्च का। और देखिए अब इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे, अब इसे लो फ्लेम पे रख देंगे और इसे खोलेंगे नहीं, और इसे ऐसे ही बंद कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने अब चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए अभी थोड़ी सी खड़ी है और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, उसी में ये जो कतली थोड़ी सी कच्ची सी है ना वो गल जाएंगी। तो देखिए मैंने 2-3 मिनट इसको छोड़ दिया था गैस बंद करने के बाद, आप देख सकते हैं हमारी जो कतली है जो कच्ची सी थी ना वो भाप से ही हो चुकी है। तो देखिए, और चलिए अब सर्व कर लेते हैं, हमारी शोरबे वाली कतली बन के बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके घर में भी सभी को पसंद आएगी। आप इसे रोटी
या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो उसी के हिसाब से आप सर्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।